नमस्कार, ज्योतिष वास्तु और उपाय के चैनल में आपका स्वागत है। बात करेंगे आज के राशिफल की। आज दिनांक 3 अप्रैल 2023 है और दिन है सोमवार। मेष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा व्यतीत होगा, इसकी विस्तृत चर्चा इस वीडियो में की जाएगी। आज अगर मेष राशि वाले जातक कोई भी शुभ कार्य करना चाहते हैं तो वो 12 बजे से लेकर 12:50 के बीच में कर सकते हैं। ये अभिजीत मुहूर्त का टाइम होता है। इस समय किए गए कार्य शुभ फलदायी होते हैं और इस समय जो भी कार्य हम शुरू करते हैं वो शीघ्र ही सफलता की ओर जाता है और उसमें रुकावटें भी कम आती है। आज आप कोई भी शुभ कार्य करना चाहते हैं तो इस टाइम में कर सकते हैं और सुबह राहु काल रहेगा, जिसमें हमको कोई भी कार्य या कोई भी नया काम शुरू नहीं करना चाहिए। वो रहेगा सुबह 7:30 से लेकर 9 o'clock तक, तो इस टाइम को आप टालें और दोपहर में कोई भी नया कार्य शुरू कर सकते हैं। आज पूरे दिन चंद्रमा सिंह राशि के अंदर रहेंगे, मकर नक्षत्र के अंदर। तो शुक्र के नक्षत्र में ये चंद्रमा चल रहे हैं और सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, सिंह राशि मतलब मेष राशि वालों के लिए सिंह राशि का चंद्रमा कैसा रहेगा, तो बात करते हैं मेष राशि की। तो इनके 5th हाउस में चंद्रमा चल रहा है। ये राशिफल चंद्र राशि के आधार पर है और उसी हिसाब से इसे देखने का प्रयास करें। गोचर में चंद्रमा 5th में चल रहा है, शुक्र की राशि में, शुक्र के नक्षत्र में, तो अधिकारी गण आपकी बात को आज मान देंगे। यानी कि आपके जो उच्च अधिकारी हैं उनके सामने अगर आप कोई भी प्रस्ताव, बातचीत या कोई भी समस्या का हल दे रखते हैं तो आपकी बात को समझा जाएगा, मान दिया जाएगा। हो सकता है आपकी बात को मान लिया जाए और उसी हिसाब से कार्य और योजना बनाई जाए। घर में अगर आप हैं तो आपको बड़े बुजुर्गों का साथ मिलेगा और उनके सहयोग से आपके कार्य पूरे होंगे। कार्य क्षेत्र में आज के दिन कोई दिक्कत परेशानी बिल्कुल भी नहीं है। कार्य क्षेत्र बड़ा स्मूथली चलेगा और आपके दैनिक जीवन के कार्य भी बड़े आराम से होते हुए चल रहे हैं। कार्य क्षेत्र के अंदर आपको अपोजिट लिंग के व्यक्तियों से कुछ न कुछ सहयोग अवश्य मिलेगा। आप अगर स्त्री हैं तो पुरुष से, पुरुष हैं तो स्त्री वर्ग से आपको हेल्प मिलती हुई दिखाई दे रही है। जो लोग लव लाइफ के अंदर हैं उन्हें प्रेमिका या प्रेमिका का साथ मिलेगा, हेल्प मिलेगी और उनके प्रयासों से आपका जीवन थोड़ा सा आसान बनेगा। आज आपको वर्क प्लेस के ऊपर दोस्तों का सहयोग भी मिलता हुआ दिख रहा है और दोस्तों के माध्यम से आपके कार्य पूरे होते हुए दिख रहे हैं। व्यापारियों के लिए आज का दिन बहुत ही श्रेष्ठ है। बिजी रहेंगे पूरे दिन व्यापारी, नई नई योजना बनाएंगे और उनको कुछ शुभ समाचार भी मिलता हुआ दिख रहा है। तो व्यापारी लोगों के लिए भी ये आज का दिन सिंह राशि का जो चंद्रमा चल रहा है बहुत ही श्रेष्ठ फलदायी रहेगा। परिवार के सदस्यों की बात आज आपको माननी चाहिए और परिवार के लोगों के जो भी फैसले लिए जा रहे हैं परिवार के द्वारा उसका आप सम्मान करें, उसी में आपका हित है। ये आपको पूरे दिन ध्यान रखना है। साथ ही आपको जल्दबाजी और आवेश में आने से भी बचना चाहिए। अकेलेपन से दूर रहें और परिवार के सदस्यों की बात ध्यान से सुने, अपनी इच्छा बिल्कुल भी न थोपें और उनकी बात और उनकी राय के हिसाब से कार्य करें। आपके कार्य और आपका हित अपने आप ही सत्ता हुआ चला जाएगा। जमीन जायदाद से संबंधित, भूमि भवन मकान से संबंधित या किसी भी तरह के कंस्ट्रक्शन से संबंधित कार्य की बात आप करना चाह रहे हैं तो आज आप कर सकते हैं, ऐसे कार्यों में गति आएगी। साथ ही अचल संपत्ति से संबंधित विवाद भी हल होने की दिशा में, आप उस हल होने की दिशा में ये दिन लेके जा रहा है तो आप उससे संबंधित भी बातचीत कर सकते हैं। अचल संपत्ति संबंधी कार्य भी होते हुए देखे जा रहे हैं। आज पूरे दिन आपको बहस और विवाद से दूर रहना है, साथ ही अपने खर्च पर भी नियंत्रण रखना है। एक खास बात जो मेष राशि वाले जातकों को आज पूरे दिन ध्यान रखनी है, क्योंकि बहुत सारे मौके ऐसे आएंगे जब आप अपने मन की बात बताने को होंगे, चाहे पार्टनर को, चाहे आपके दाम्पत्य जीवन में आपके पार्टनर को या लव रिलेशनशिप में है तो उनको, या व्यापार स्थल पे या नौकरी वाले स्थल पे, कहीं पे भी आप अपने मन की बात किसी से भी आप शेयर न करें। क्योंकि अगर आपने मन की बात किसी से शेयर करी तो आप अपनी परेशानी खुद ही बन जाएंगे। तो अपने मन की बात अपने मन में रखें, किसी से भी आप मन की बात को शेयर न करें। आज आपके घर का वातावरण खुशियों से भरा हुआ है तो उसी खुशियों में रंग में आप मस्त रहिए और जैसा चल रहा है उसे चलने दीजिए। कुल मिला के आज का दिन श्रेष्ठ परिणाम देता हुआ दिख रहा है। विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन श्रेष्ठ है। विद्या में उनको कुछ
सफलता मिल सकती है। साथ ही जो हायर एजुकेशन से संबंधित स्टूडेंट्स हैं उनको कुछ ना कुछ खुशखबरी या एडमिशन से संबंधित कोई सूचना मिल सकती है। फिफ्थ का चंद्रमा जब भी होता है तो कुछ आय प्राप्ति के सूत्र भी नजर आते हैं। तो आज आपको आय प्राप्ति के कोई अतिरिक्त आय प्राप्त अतिरिक्त सूत्र भी आपको नजर आएंगे। बिल्कुल भी उस सूत्रों की ओर जाने के लिए जल्दबाजी न करें और पूरी तरह से मंथन करें। साथ ही आज आप अपना स्वयं का भी आत्म मंथन करें और अपनी गलतियों को सुधारते हुए कार्य करें। दाम्पत्य जीवन पूरी तरीके से अच्छी तरह से चल रहा है। बहस विवाद से बचें और अपने पार्टनर को पूरा टाइम दें। आज आपको अपने परिवार के बड़े लोगों का सम्मान करना और उनकी सलाह के हिसाब से कार्य करना शुभ फलदायी रहेगा। इस तरह से ये आज का दिन आपका व्यतीत हो रहा है। अगर इसके उपाय की बात करें तो आज केसर का तिलक लगाना आपके लिए सही रहेगा। एक रंग आपके लिए शुभ है, ऑरेंज कलर आपके लिए, एक अंक आपके लिए शुभ है और ऑरेंज कलर आपके लिए शुभ है। आज जो भी कार्य करें आप अभिजीत मुहूर्त में 12 से लेकर 12:50 के बीच में ही करें। घर से निकलने से पूर्व भगवान शिव की आराधना या भगवान शिव का नाम अवश्य लें। साथ ही यात्रा पर जा रहे हैं तो पहले घर से बाहर निकलने से पहले सीधा पैर राइट लेग पहले निकालें और फिर अपने कार्य पे जाएं। आपका दिन श्रेष्ठता से बीते, आयु आरोग्य और ऐश्वर्य की आपकी वृद्धि होती रहे, इसी शुभकामना के साथ नमस्कार।